नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों, यूपी में भर्ती आ चुकी है बीईओ की और इसके बारे में वीडियोस मैंने बनाए हैं और भी मेरे भाइयों ने बना दिए हैं, आपने देख लिए होंगे। लेकिन यहाँ एक जो बड़ा इशू था जो आपसे डिस्कस करना था वो था आपको इसका सेकंड पेपर। प्रीलिमली आप पास कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ठीक है ना। मैंने बता दिया आपको कहाँ से क्या सिलेबस मिलेगा, वीडियो मेरा पुराना वाला देख लेना। लेकिन जो इसका मेन है, जो सिलेक्शन बेस है इसका, वो है आपका सेकंड पेपर यानी कि मेन एग्जाम। उसमें भी आपका जो 200 नंबर का पार्ट है हिंदी वाला वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें से भी 100 नंबर का आपका निबंध है। निबंध आपकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि निबंध में काफी लोगों ने मात खाई है। 700 शब्द लिखने पड़ेंगे आपको निबंध के, और पीएससी मानती है कि एक पेज की 10 लाइन होती है, 10 लाइन में यानी कि 100 शब्द हो गए तो आपको 7 पन्ने का निबंध है। हालांकि आजकल वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इस तरह की सोच नहीं है, लेकिन पहले रही थी तो वहां दिक्कत आती थी। अब आपको 700 शब्दों में निबंध लिखना है, क्लियर रखना है। तो निबंध के टॉपिक एक बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो सिलेबस में दिए हुए हैं, और ये कहाँ से तैयारी कर सकते हैं आप ये बता रहा हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखें ताकि आपकी मिसिंग नहीं हो, खास करके वो मेरे भाई बहन जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि तो बार बार वो गाइड ढूंढेंगे, इसके लिए गाइड कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इसका ऐसे का टॉपिक देख लेते हैं। 100 नंबर का टॉपिक है, 700 शब्दों में लिखना है। तो पहला आपका पार्ट है ए। ए में सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है आपका साहित्य संस्कृति। दूसरा है आपका राष्ट्रीय विकास योजना और क्रियान्वयन। तीसरा टॉपिक है आपका राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सामूहिक समस्याएं और निदान। फिर आपका बी पार्ट आ जाता है, बी पार्ट में आपका विज्ञान और पर्यावरण है। ये टॉपिक निबंध के बता रहे हैं, है ना, उसमें से आपका कुछ कोई ना कोई निबंध एक आएगा। टॉपिक बताया है ये, सब्जेक्ट बताया है आपका ये, ठीक है ना। अब इसमें से किसी भी चीज पर निबंध लिखवा सकता है। फिर आपका प्राकृतिक आपदा और उनके निवारण। फिर आपका कृषि उद्योग और व्यापार। तो इस तरह से आपके ये 6 टॉपिक दिए हैं जिन पर निबंध आएगा। अब आपको मेटेरियल मिलेगा कहां से, आप प्री और मेंस के लिए जो भी किताबें पढ़ेंगे उनमें से इनको ध्यान में रखते हुए नोट्स हाथों हाथ बनाते जाएं। पहली चीज तो आपको ये करना है। दूसरी चीज आपको बता देता हूं, आज से ही यानी कि 13 दिसंबर से इस पे आवेदन भरना शुरू हुए हैं और 13 जनवरी तक आपके आवेदन भरे जाएंगे। 3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाता है। तो इन 4 महीनों का लास्ट का महीना भी आप ले ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन 5 या 6 महीनों के न्यूज पेपर्स, कोई सा भी पेपर हो, चाहे आप अमर उजाला लें, चाहे दैनिक भास्कर लें, चाहे दैनिक जागरण लें, हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, या कोई और भी पेपर जो आपको अच्छा लगे, उसका जो एडिटोरियल पेज आता है उसको आपको गौर से पढ़ना है। और ये टॉपिक्स आपको वहां इन 6 महीनों में 101% मिल जाएंगे, उनकी कटिंग आपको रखनी है, ठीक है ना। आप मार्क से उन पे मार्क कर लें, वो आपको काफी हेल्प करेंगे, वहां तथ्य आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आज के एक पेपर में लगा था कि जो अभी फिलहाल जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसकी स्थिति क्या है, ठीक है ना, इस प्रकार, तो वो चीजें आपको मिल जाएंगी। तो दूसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो रहेगी आपकी योजना और कुरुक्षेत्र। मैं नहीं कहता कि इन बुक्स को आप पूरा पढ़ें, लेकिन पिछले 3-4 महीने की योजना कुरुक्षेत्र आप कहीं से भी लें, आपकी जो जिला लाइब्रेरी है, जिला पुस्तकालय, वहां जाएं, वहां से आप कलेक्ट करें पुराने इश्यूज, उन इश्यूज के जो एडिटोरियल है, जो संपादकीय है, उनकी फोटोकॉपी कराएं, उनमें से आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। ये जो 6 टॉपिक है इनके बारे में बता रहा हूं। निबंध का 100 नंबर का है, आपके सिलेक्शन में बहुत कुछ रोल अदा करेगा। अच्छा, इसके अलावा उसमें से आप जब उसके आर्टिकल देखेंगे योजना कुरुक्षेत्र दोनों बुक्स में से, तो ये टॉपिक आपको पूरे पूरे क्लियर होते भी मिलेंगे। तो वहां से भी आप इन टॉपिक्स को ले सकते हैं। तो दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, पिछले 3 महीने के और आगामी 5 या 6 महीने के आपको सारे न्यूज पेपर के एडिटोरियल देखने हैं, और साथ साथ अभी से आगे आने वाली ये दोनों बुक्स, मैगजीन्स जो मैंने बताई हैं और पुरानी 3-4 महीने की मैगजीन्स, इनके एडिटोरियल आपको देखने हैं। अब इसके अलावा जो मंथली मैगजीन्स आती हैं जीके की, चाहे आप उपकार प्रकाशन की कोई सी दर्पण या कोई सी भी किताब ले सकते हैं, और भी कोई किताब, आजकल तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, इतना तो मुझे भी नहीं पता आजकल कौन कौन सी हैं, लेकिन उनके खास करके जो स्पेशल आर्टिकल्स हैं वो आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकते हैं। निबंध निबंध के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। प्री और मेंस की तैयारी कैसे करनी है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, ठीक, तो आप वहां से भी इसका प्रॉपर इश्यू ले सकते हैं। अब ये आपको लंबे समय तक कैसे याद रहेगा या आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो एक चीज ध्यान रखना, ये आपका रिटन बेस्ड एग्जाम है। सेकंड पेपर आपका जो है डिस्क्रिप्टिव आएगा, 700 शब्द आपको लिखने पड़ेंगे, तो एक तो आपकी राइटिंग सही हो, दूसरी बात आप इनको टॉपिक्स जैसे आप बनाएंगे तो पॉइंटों में कोशिश करें निबंध को लिखने की, निबंध के पूरे टॉपिक्स के आप पॉइंट बनाएं और पॉइंटों को क्लियर करें 20 से 25 शब्दों में, ठीक है ना। धीरे 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 करके आपका जो कॉम्पैक्ट ऐसे बनेगा वो आपका 7-8 शब्दों को बनना चाहिए। 700 शब्दों दिए आपको लिखना है 7 शब्द में।
आप ये ना सोचेंगे 1000 में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप 700 का 600 कर सकते हैं, 600 का 700 कर सकते हैं, लेकिन 1000 शब्दों का निबंध आपको नहीं लिखना है, गागर में सागर ही भरनी है, तो ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। प्री पास करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, मेंस पास करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी, और उसका रीजन यही होगा, ये आपका जो सेकंड पेपर है काफी इशू बेस्ड पेपर होगा, और ये इशू बेस ही आपको सिलेक्शन या आपको बाहर करने की स्थिति में काफी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें, अगर चैनल पे कर रहे हैं फर्स्ट टाइम विजिट तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।